मुखी नहीं गुरु मुखी थे, बैठे राम। और जब गुरु ने कहा उठो राम बन जाओ भव चापा, मैं कवतार जनक परितापा, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विसादन कछु रावा। और तब वो पद्धति विकसित की उन्होंने, योग किसको कहते, जब खड़े हुए पास थे तो प्रणाम किया, और जब धनुष के पास पहुंच गए तो दूर से चिल्ला के प्रणाम नहीं किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, केवल मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, अति लाघव उठाए धनुनीना, और फिर वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य संपादित हुआ, त्रिभुवन जय समेत वैदेही की प्राप्ति हुई। मानो सूत्र दिया शिक्षा के लिए, जिस दिन विद्यार्थी गुरुमुखी हो जाता है उस दिन उसके जीवन की सारी चिंताएं उसका गुरु अपने ऊपर ले लेता है। हमको तो केवल गुरुमुखी होना है, तब हमारे जीवन में योग होगा, तब हम मानवता को प्राप्त करेंगे, और तब फिर वो प्रार्थना साकार होगी, जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोधिकम्। इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन परिपूर्यताम्। जितना मुझे प्राप्त हो उससे अधिक मैं इस भारत माता को, इस मानवता को दे सकूं, हे प्रभु मेरी इतनी प्रार्थना है, इसे पूरा करना। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जब आदान से अधिक प्रदान की इच्छा जागृत हो जाएगी, तब ऋषियों का यह मंत्र साकार होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रांगण से यह भाव जागृत हो, भारत माता विश्व गुरु के पद पर आसीन हो गई है, पूरी दुनिया जब योग करते हुए अपनी नाक जमीन पर रख रही है, तो मानो ये पूरा विश्व भारत माता के समक्ष अपनी नाक रगड़ रहा है। हम पूरी दुनिया की शांति के लिए काम करें, मैं से हम की ओर जाएं, एकात्म दृष्टि को विकसित करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अशोरी सर। मानस मर्मज्ञ हैं आप, और आपके शब्दों ने ये परिलक्षित कर दिया कि आज मंगलवार है। अब मोही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता, आप जैसे संतों के चरण इस महाकवि पद्माकर पुंडेरी पर धरा पर पड़े हैं, और आपके माध्यम से इन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हुआ है। भारत माँ के प्रति इनके मन में लालसा जागृत होगी, और भारत माँ पुनः विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त करेगी। आपका विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं निवेदन करूंगा आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति प्रोफेसर नीलमा गुप्ता जी से, वे हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से, शॉल श्रीफल के माध्यम से सम्मान करें। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमा शंकर पचौरी जी के सम्मान हेतु निवेदन करूंगा मैडम नीलमा गुप्ता जी से। मंत्र दुपट्टा, श्रीफल और स्मृति चिन्ह की स्मृतियों, ये विश्वविद्यालय का जो विभाग है, योग शिक्षा विभाग, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम विश्वविद्यालय स्तर पर विभाग है, और विश्वविद्यालय के प्रशासन के सहयोग के माध्यम से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय भारत की ओर से ये महर्षि पतंजलि भवन योग शिक्षा विभाग के लिए समर्पित किया गया। लगभग 63 वर्ष की यात्रा के पश्चात हमको हमारी स्वतंत्र एक बिल्डिंग प्राप्त हुई, भवन प्राप्त हुआ, जहाँ पर हम आपकी बीच में ये साधना की पद्धति लेकर उपस्थित हुए हैं। अगले क्रम में निवेदन करूंगा ब्रिगेडियर अशोक बिनोचारी के सम्मान हेतु मैडम से, एनसीसी के ग्रुप कमांडेंट ब्रिगेडियर अशोक जी का मंत्र दुपट्टा, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के माध्यम से कुलपति महोदया सम्मान कर रही हैं। अतिथियों का और मैडम का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्ष उद्बोधन से इस सभा को संचित करने के लिए, इस सभा को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए मैडम प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी। The chief guest of the 8th International Yoga Day, Professor Uma Shankar Pachauri ji, who is from the Bharatiya Shikshan Mandal, the National Secretary. And Bharatiya Shikshan Mandal is again represented in the form of the guest of honor,
Srimati Aruna Saraswat Ji, who is the National Vice President. We have the guest of honor, NCC Commandant Brigadier Ashok Manocha Ji, and we also have Professor G. Param Gowda, who is Acharya Patanjali Yoga Peeth from Haridwar. I am also very happy to note that we have various administrators from the university. We have Professor Chanda Bain, who happens to be the first woman proctor of this university, and she is representing here as the proctor. We have the Dean, Professor Yashwant Thakur, Professor R.K. Rawat, the Director of Physical Research.